It is a very, uh, you know, very, very sweet character. Malajo Kaju hai, she's innocent, she's naive. यू नो शी ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ जो वो खुद रियलाइज़ करती है यू नो किए थे तो वो दिन मुझे अभी भी याद रहेगा बिकॉज uh, वो ओपनिंग सीक्वेंस था एंड uh, वो वही uh, पहाड़ों का तो हम एकदम वही पूरी पहाड़ की फील में मैं पूरे टूर गाइड के अवतार में वहाँ पे थी और शुरू होता है इन से शुरू होता है सिर्फ एक नज़र से ओके को, कोई पसंद आया बटरफ्लाइज इन माई स्टमक वो मैसेज आ गया सो दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स हाउ लव यू नो मैनिफेस्ट इथ सेल्फ इन योर लाइफ हे दिस इज़ पंखुड़ी अवास्ती एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेलीचस्का सो हाय पंखरी वेलकम टू टेली चस्का फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आज गुड़ से मीठा इश्क को हंड्रेड एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं क्या कुछ कहना चाहेंगी ये पूरी जर्नी जो है हंड्रेड एपिसोड तक की कैसी रही और आज इतना इतना स्पेशल डे है तो उसे किस तरीके से बयान करेंगी क्या कुछ एक्साइटमेंट है किस तरीके की फीलिंग है सबसे पहले थैंक यू एंड डबल थैंक्स कि, यू नो आप लोग आए टू सेलिब्रेट दीज हंड्रेड एपिसोड्स विद अस इट्स अ ग्रेट फीलिंग हमारे लिए एज अ टीम बहुत ही यू नो स्पेशल फीलिंग है कि यू uh, नो you know, हमारे शो ने हंड्रेड एपिसोड्स क्रॉस कर लिए हैं ये एक माइलस्टोन है सबसे पहला माइलस्टोन है एंड आई होप कि हम ऐसे ही यू नो स्टेप्स लेते रहें रहे ऐसे कई सारे माइलस्टोन्स क्रॉस करें एंड uh, आज का दिन सबसे अच्छा इसलिए भी है बिकॉज पूरी कास्ट शूट कर रही है आज एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वीर ऑल शूटिंग टुगेदर ऑन आर सेट एंड बहुत अच्छी फीलिंग यू नो है कि सब साथ में मस्ती करेंगे यानी विल ऑल बी टुगेदर एंड अनिल चिल तो यू uh, नो uh, you know, उसकी सबसे ज़्यादा खुशी है कि वी एस एबल टू सेलिब्रेट दिस डेट टुगेदर एंड या शो को uh, कहीं ना कहीं जो ऑडियंसिस ने प्यार दिया है वो उसके लिए भी वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल वी आर एक्स्ट्रीमली थैंकफुल कि आप लोगों को ये शो देख रहे आप लोग ये शो देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है सो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग पंखुड़ी एक अलग ही अवतार में शो में नजर आई एक पहाड़ी लड़की का कैरेक्टर आपने आप प्ले कर रही हैं उस कैरेक्टर को लेकर क्या कहना चाहेंगी कितना मज़ा आ रहा है आपको लाइक सर पे स्काफ़ बांधना और वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसे प्ले करने में कितना मज़ा आई थिंक ये कैरेक्टर मैंने उठाया ही इसलिए था क्योंकि इट उसमें में जो एक बहुत ही डिफरेंट फील था फ्रॉम ऑल दी अदर कैरेक्टर्स दैट आई हैव प्लेन एंड इट वाज की एक पहाड़ी लड़की है एंड यू नो जो उसका अटायर था दैट वाज आल्सो यू नो टेलीविजन में हम जैसे दिखाते हैं कि पहाड़ी है बट कई बार अटायर होता मैच नहीं करता इसमें हमने पूरे टाइम वी कैप दैट स्काफ एंड दैट वज़ अ वेरी डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर इस कैरेक्टर का एंड जो ये कैरेक्टर है हमेशा से यू नो इट इज़ इट इज़ अ वेरी यू नो वेरी वेरी स्वीट कैरेक्टर मतलब जो काजू है शी इज़ इनोसेंट शी इज़ नाइव यू नो शी ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ जो वो खुद रियलाइज़ करती है यू नो एट डिफरेंट कोर्सिस ऑफ अर टाइम एंड डिफरेंट पीरियड इन इन अर लाइफ तो यू नो आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग दिस कैरेक्टर एवरी डे बट जो नाइविटी है जो रिजिलियंस है इस कैरेक्टर का जो पेशेंस है इस कैरेक्टर जो स्ट्रेंथ है यू नो टू स्टैंड अप फॉर द राइट थिंग ऑल्सो द स्ट्रेंथ टू सॉफ गिव पीपल एंड मूव ऑन यू नो इन लाइफ एंड यू नो नेवर बैक डाउन एडवर्सिटी के टाइम पे या जो भी सो दिस कैरेक्टर यू नो इट्स इट्स वेरी स्पेशल जो शुरू हुआ था विथ द स्पाक शीज अ टूअर गाइड दैट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी फ्रेश फील एंड इवेंचुअली जो काजू की जर्नी होगी एज अ डांसर यू नो इन द शो सो दो आर द थिंग्स एट दैट रियली इंट्रीग्ड मी एंड ओब्वियसली दैर इज अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी दैट हैज़ बिन अनफोल्डिंग इन ऑल दीज एपिसोड्स सो यू नो दैट इज़ वाई आई जस्ट लव द कैरेक्टर आई लव द सिपलिसिटी ऑफ द कैरेक्टर आई लव कि यू नो हाउ एक पहाड़ी लड़की तो इवन द लहजा जो हम ठहरा और ये सारी चीज़ें बोलते हैं बीच में है ना शो में तो वो बहुत ही डिफरेंट फील है अब वो इतना डिफरेंट है कि इट्स इट्स कम टू मी लाइक मैं नॉर्मल लाइफ में भी अरे ये मेरे पास नहीं ठहरा भाई तो लाइक आई एम लाइक दैट तो वो वो जो स्पिल ओवर है ना इट्स द स्वीटेस्ट थिंग एंड नॉट जस्ट मी लाइक बिकॉज दट ठहरा वॉज सो कैची सो मेनी अदर पीपल हैव स्टार्टेड सेंग इट सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट आई थिंक द कैरेक्टर ओके रियल लाइफ में कभी फैमिली या फ्रेंड्स ने ऐसे आपको जज किया है जज में इन अ गुड सेंस जज किया है कि नहीं अभी काम करते करते ये लैंग्वेज में थोड़ी सी ये हो गई है शो की वजह से ऐसा कभी कुछ हुआ है uh, बिल्कुल होता है सी जब मैं रज़िया कर रही थी तो जो मेरा उर्दू का लहजा था जो वर्ड्स थे उस टाइम पे बिकॉज उसी तरह से बात करनी होती है एंड यू हैव अ डिफरेंट स्टांस तो यू uh, नो you know, हर शो ये फील्ड ही ऐसी है कि देर आर देर इज सो मच अपॉर्चुनिटी फॉर वैल्यू एडिशन टू यू एज अ पर्सन यू नो आप इतने सारे वेरीड कैरेक्टर्स करते हो जैसे रजिया के लिए मैंने अगर हॉर्स राइडिंग सीखी सो ना आई नो हाउ टू राइड अ हॉर्स आई मीन जो मैं अदरवाइज कभी ना नॉर्मल कॉपरेट जॉब शायद कभी नहीं सीखती जाके आई नो uh, मुझे स्वाड फाइटिंग सिखाई गई थी uh, द्रौपदी में uh, जो हमारा टेक्स्ट है महाभारत जिच इज़ ऑलमोस्ट यू नो सो प्रस्टिजियस है जिसको इतना वो मानते हैं तो सो मेनी थिंग्स आई गॉट टू नो दैट है ना अबाउट दैट एज अ प परसन जो मैंने लाइन्स बोली हाउ आई फेल्ट द्रौपदी लाइक अमला वॉज शो वो

अब ये एक पहाड़ी लड़की का कैरेक्टर है जो कि एक छोटी सी जगह से है जहाँ पे मेटेलिटीज़ ये हैं जो कि हम आज भी फेस करते हैं कि वो लड़की अपने मन से कुछ नहीं कर सकती सो गेटिंग इन टू द लाइफ ऑफ दिस कैरेक्टर इवन द पहाड़ी फील टू द कैरेक्टर जैसे मैंने बताया लहजा जैसे मैंने बताया द होल कॉस्ट्यूम जैसे वो लोग रहते हैं छोटी छोटी बच्चियाँ भी उनके सर पर हमेशा yeah. वो स्काफ होता है यू नो इट्स जस्ट दैट दैट फील जिस तरह से वो बात करते हैं जैसे अभी एक सीक्वेंस था ऑफ वी शॉट एंड वी वर डूइंग द पहाड़ी स्टेप्स है ना तो वो वो सारी चीज़ें आई रियली लाइक एज अ पर्सन कि यू नो इट्स सो मच दैट आई गेट टू लर्न एंड वाइ लाइम पोट्रिंग द कैरेक्टर सो इट्स 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 लॉट ऑफ जॉय फॉर मी पंखुड़ी से जानना चाहेंगे कि हाउ डू यू डिफाइन लव इश्क जो है वो आप कैसे डिफाइन करेंगी उसका डेफिनेशन आपके लिए क्या है कितना सच क्या सच में घुड़ से मीठा है या इमली से खट्टा है उससे लेकर क्या आई थिंक लव मैंने बहुत बार सोचा है पर आई नेवर बिन एबल टू डिफाइन इट इन अ वर्ड और इन अ लाइन इन 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 पैराग्राफ बिकॉज एक्चुअली सभी कुछ है गुड़ से मीठा भी है इमली से खट्टा भी है और वो एक आई थिंक सबसे ऊपर जो एक फीलिंग है ना वो एकदम ही अनमैच्ड एक इमोशन है जिसको किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं है यू you नो know, जिसको एक्सप्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है कि इट यू डोंट नीड टू टेल द पर्सन दैट आई लव यू यू नो मे बी और मे बी आप के साथ हो भी नहीं वो पर्सन फिर भी दैट फीलिंग इट स्टार्ट इट हैज़ सो मैनी डिफरेंट ब्रांचिज़ लव यू नो शुरू होता है इन से शुरू होता है सिर्फ एक नज़र से ओके okay, कोई पसंद आया बटरफ्लाइज इन माई स्टमक वो मैसेज आ गया सो दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स हाउ लव यू नो मैनीफेस्ट इट सेल्फ इन योर लाइफ ओके इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगी कि शो में फ़र्स्ट डे की कोई मेमोरी अगर आपको अब भी याद हो और हमेशा आप अपने साथ रखने वाली हैं तो वो कौन सी मेमरी जब हमने फ़र्स्ट डे शूट किया था तो हम मसूरी में शूट कर रहे थे जो शो का फर्स्ट डे था शूट कॉल दो प्रोमोज हमने पहले शूट किए थे तो वो दिन मुझे अभी भी याद रहेगा बिकॉज वो ओपनिंग सीक्वेंस था एंड uh, वही uh, पहाड़ों का तो हम एकदम वही पूरी पहाड़ की फील में मैं पूरे टूर गाइड के अवतार में वहाँ पे थी एंड मेरी तबीयत इतनी सही नहीं थी बिकॉज पहाड़ों का रास्ता यूँ गोल गोल होता है सो आई न्यू आई वॉज नॉट फीलिंग आई थिंक बट वो एक्साइटमेंट इतना था ना एक नई जर्नी को शुरू करने का आई कैन जस्ट नॉट फो द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स इन उत्तराखंड